नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं सेफ वर्क इन्वायरमेंट के बारे में। मैं निबोस का थर्ड पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत लोगों का कमेंट था कि थर्ड पेपर जो है स्टार्ट करिए, इसको पढ़ने से पहले आपको निबोस IGC कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज ये समझ में आएगा, बट वो बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो बेसिक चीज़ें पता नहीं है तो थोड़ा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग निबोस डिप्लोमा में टोटल तीन पेपर हैं, ID 1, ID 2 और ID 3। तो हम लोग इसमें ID 3 के बारे में जानने वाले हैं और उसके सारे एलिमेंट्स जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे 10.1 जो है सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट के बारे में। सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, चूँकि ये हम लोग निबोस डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, यानी कि ये ज़्यादातर इंटरनेशनल कोर्स है, तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल आर्टिकल्स वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि ये तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ये सारा चीज़। तो ILO की बात करेंगे, जो कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लीकेबल है। तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू ILO R164, जो रिकमेंडेशन 164 है, और कन्वेंशन C155 जो है उसके द्वारा कहा जाता है कि एम्प्लॉयर शैल रिक्वायर टू इंश्योर दैट सो फार एज रीजनली प्रैक्टिकेबल द वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड प्रोसेस अंडर देयर कंट्रोल सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। यानी कि सेफ होना चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। तो उसी के कारण जो है हमको वर्क इन्वायरमेंट को सेफ करने की आवश्यकता होती है। तो वर्क इन्वायरमेंट सेफ जब करेंगे तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस को इन्वायरमेंट को सेफ करना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वर्क प्लेस क्या होता है। तो वर्क प्लेस जो है डिफाइंड जहाँ के हम लोग काम करते हैं, और जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है किसके, एम्प्लॉयर के, उसको हम लोग वर्क प्लेस बोलते हैं। तो जहाँ वर्क प्लेस है वहीं पर तो वर्क इन्वायरमेंट की बात होगी, यानी कि हम घर की तो बात करेंगे नहीं। तो अब बात आ गई कि जो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है। जैसे कोई इंजीनियर वर्क प्लेस पे है तो ये वर्क इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर इन ऑफिस है, ये भी एक वर्क प्लेस है। वर्कर कोल्ड स्टोर में काम करें, ये भी एक वर्क प्लेस है। वर्कर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, ये भी एक वर्क प्लेस है ना, यानी जहाँ भी काम होता है। ऑपरेटर ऑन ऑनशोर ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, ये भी क्या है, एक वर्क प्लेस है। तो ये वर्क प्लेस का आप फोटो देख पा रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं वर्क प्लेस के। तो जहाँ भी वर्क प्लेस हो तो वहाँ पर हमें सेफ्टी करने की आवश्यकता होती है। और जब सेफ्टी की बात करेंगे तो वहाँ पे पहला बात कि सेफ एक्सेस और रिग्रेस होना चाहिए, यानी कि आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे अगर आने जाने का ना हो रास्ता क्लियर तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो ये जो है आने जाने का सेफ रास्ता, यानी कि सेफ एक्सेस और रिग्रेस करने का मतलब ये है कि वर्क प्लेस पे पेडेस्ट पेमेंट होना चाहिए, पैदल चलने वाले के लिए एक अलग रास्ता हो, व्हीकल रोड एक्सेस हो, है ना, पेडेस्ट्रियन और व्हीकल सेग्रीगेटेड हो, और लेडर एक्सेस, कोई हाइट पे काम हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेस हो, यानी कि जैसे कि स्क्रैप होल्डिंग हो गया, वहाँ पे हाइट पे काम करना है तो लेडर हो गया, है ना। और कन्फाइंड स्पेस में अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे मैन वे एक्सेस हो, वहाँ पे यानी कि वहाँ आदमी आ जा सकता है ऐसा। तो यही क्या है, जहाँ भी मतलब हम पहुँच पा रहे हैं अच्छे से सुरक्षित, और सुरक्षित निकल के आ सकते हैं, दैट इज सेफ वर्क इन्वायरमेंट। तो इस तरह का होना चाहिए सेफ वर्क इन्वायरमेंट। और उसके बाद जो है वहाँ पर देखा जाता है कि हम लोग सेफ्टी साइन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह जो है, हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाने के बाद भी कई जगह पे सेफ्टी साइन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की आवश्यकता होती है, यानी कि कहाँ पे कौन सा खतरा है, कहाँ पे कैसे सावधानी रखनी चाहिए, तो साइन बोर्ड हमें लगाना पड़ता है। तो इसलिए हजार्ड को, खतरे को बताने के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड लगाना होता है, ताकि वहाँ पे रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। ये क्या है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, अगर हमने पढ़ा होगा तो ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं, और सेफ्टी साइन जो है एक मैसेज देता है वहाँ के हजार्ड के बारे में, जिससे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे सेफ्टी होती है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे कुछ फ्लेमेबल मटेरियल है, अगर वहाँ पे हम लोग फ्लेमेबल का बोर्ड लगा दिया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, चाहे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा दिया, तो ऐसे क्या है, लोग अवेयर हो जाते हैं और एक्सीडेंट। जैसे कहीं स्लिपरी सरफेस है, वहाँ पे अगर हमने बोर्ड लगा दिया कि आप लोग सावधानी चले, यहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, तो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे लेडर सीढ़ी पे चढ़ना है तो हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं कि हैंडरेल पकड़ के ही चढ़े, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, भाई यहाँ पे ये खतरा है।
तो यहाँ पे सेफ्टी साइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमको वर्क प्लेस के सेफ इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे बात आ गई कि अब स्टैंडर्ड क्या है इसमें, तो ISO 7010 जो है ग्राफिकल सिंबल स्टैंडर्ड है सेफ्टी कलर एंड सेफ्टी साइन के बारे में बताता है। और रजिस्टर्ड सेफ्टी साइन इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द कंसिस्टेंट सेफ्टी साइन रेगुलेशन अक्रॉस द यूरोप। ये क्या है, यूरोप का है। और ये जो है आपको अब बात आ गई कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन के बारे में, यानी कि सेफ्टी साइन जनरली आपको पांच फाइव टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कोई वहाँ पे रोक है, तो इसके बारे में आगे जानेंगे डिटेल्स में। वार्निंग है, मैंडेटरी है, स्केप रूट है, सेफ्टी सेफ्टी इक्विपमेंट सेफ कंडीशन के लिए, और फायर इक्विपमेंट है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं सेफ्टी साइन के बारे में, यानी कि शेप और उसका मीनिंग और कलर और एग्जाम्पल क्या है। यानी कि आप देख रहे हैं जैसा कि रेड और वाइट कंट्रास्ट है यहाँ पे, तो रेड है मतलब क्या है, प्रोविशन है। प्रोविशन मतलब वहाँ पे मना किया जा रहा है, यू डोंट हैव टू डू दैट। और ये क्या है, जैसे नो स्मोकिंग का कहीं है, यानी कि सिगरेट है उसके ऊपर रेड करके क्रॉस किया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको सिगरेट नहीं पीना है। उसके बाद ब्लू वाइट कंट्रास्ट पे रहेगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैंडेटरी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ग्लास पहनना है, कंपलसरी पहनना है। उसके बाद जो है वार्निंग है, यानी कि येलो है ट्रायंगल ब्लैक कलर का, यानी कि येलो रहेगा कंट्रास्ट ब्लैक रहेगा, तो ऐसे में क्या है, इसका मतलब होता है वार्निंग, यानी कि आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सतर्क रहना है वहाँ पे, ये वार्निंग साइन है ना। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ कंडीशन, जहाँ ग्रीन है मतलब उधर सेफ कंडीशन है, जैसे हम लोग स्केप रूट भागना है उधर से, यानी कि ये सेफ कंडीशन, इधर से आप निकल जाए, तो ये जो है ग्रीन कलर का होता है वाइट बैकग्राउंड पे। और फायर सेफ्टी जो है जनरली आप देखेंगे तो रेड वाइट कंट्रास्ट के ऊपर होता है, और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो है इस तरह के आते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी साइन है जो कि कॉमन है हर एक जगहों पे, तो ये हर जगह यूज होता है, क्योंकि सेफ्टी साइन अगर कॉमन रहे हर एक जगहों पे तो क्या है कि सब लोग एक ही चीज़ को समझेंगे। ये क्या है कि लैंग्वेज बैरियर को तोड़ता है, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज कोई मतलब नहीं है, आप सेफ्टी साइन को जानते हैं, इसका मतलब कि ओके आप कहीं भी किसी भी लैंग्वेज के हों किसी भी देश के हों आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और तो ये सब सेफ्टी साइन जो है वो फेड नहीं होना है, मतलब क्या है कि अगर कहीं सेफ्टी साइन लगाया कुछ दिन के बाद क्या हो गया, धुंधला हो गया, मतलब दिख नहीं रहा है, फेड हो गया सनलाइट पड़ने के कारण, इसको चेंज करिए, इस तरह से सेफ वर्क इन्वायरमेंट जो है बनेगा वहाँ पे। और वहाँ जो सेफ्टी साइन अगर आप लगाते हैं उस चीज़ के बारे में बताना है लोगों को, कहीं हो सकता है नए लोग गांव से आए हैं उनको पता नहीं सेफ्टी साइन के बारे में, वो क्या है इसका मतलब है, तो उसके लिए ये कोई इफेक्टिवनेस नहीं हुआ, कोई मतलब रिस्क को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है उनको देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले सेफ्टी साइन जो बना वो ओसा अप अप्रोच था, ANSI अप्रोच था, तो उसमें इस तरह का जो है सेफ्टी साइन बोर्ड था, जैसे डेंजर साइन बोर्ड के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह का डेंजर साइन बोर्ड था, ये इमीडिएट डेंजर है यहाँ पे, और ये ओसा जो है इस तरह से रेड ब्लैक वाइट कलर में इसको बनाया था, ठीक है। उसी प्रकार ये कॉशन साइन है, ये आप देख रहे हैं कि येलो कलर में और ब्लैक कलर के पिक्टोरियल्स हैं, तो ये जो है ये आपको कॉशन साइन है, कॉशन मतलब येलो मतलब आप सावधान हो जाए, आगे कुछ खतरा है, आप जाए मना नहीं है बट सावधान हो जाए। तो जैसे कि ये कोविड में 6 फीट डिस्टेंस के बारे में चल रहा था, ये देखिए जहाँ पे फर्स्ट एड हो, यानी कि यहाँ पे सेफ प्लेस है ना, यहाँ पे फर्स्ट एड मिलेगा आपको, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन साइन है, ये ओसा के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाइट बैकग्राउंड और ग्रीन है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो है ANSI है ना, ANSI के द्वारा जो है देर आर 8 क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्टी साइन था, ठीक है, जिसमें डेंजर, वार्निंग, कॉशन, नोटिस, जनरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, डायरेक्ट एरो साइन, स्पेशल साइन है ना। तो ये बाद में दोनों को मिल के जो है कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ी स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ओसा और ANSI को मिल के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेफ्टी साइन पहले इस तरीके से था, ओल्ड ओसा का टैग इस तरह से था, हाई वोल्टेज इसका इस तरह से था, और फिर जो है इसको यहाँ चेंज किया गया। जैसे आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये न्यू फॉर्मेट है ANSI का इस तरह से, और ट्रेडिशनल ओसा का इस तरीके से था।
तो बाद में बहुत सारे चेंजेज हुए, देख रहे हैं यहाँ पे ये ओल्ड था पहले ऐसा, और ये ANSI और OSHA दोनों मिलके एक स्टैंडर्डाइज किया जिसमें कि इस तरह से सेफ्टी साइन बोर्ड बना। पहले टैग इस तरीके से था, दोनों मिलके इस तरह से बनाए। उसके बाद पहले जो है इस तरीके से था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं डेंजर हाई वोल्टेज का इस तरह से था, और बाद में दोनों मिलके, यानी कि कुल मिला जुला के ये रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही सेफ्टी साइन चले तो बड़ी इजीली सारे लोग फॉलो करेंगे, और सबको एक बार जो बैठ गया कि ये सिंबल इस चीज़ के लिए है, ये जो साइन बोर्ड है इस चीज़ के लिए है, खास काम के लिए, वो हमेशा याद रहेगा, और इससे काफ़ी इजी होती है आगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि न्यू और फॉर्मेट्स। अब सेफ्टी सेफ वर्क इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रॉपर लाइटिंग होना है। लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं रहा ना तो सेफ्टी जो है आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अब बात आ गई कि लाइटिंग लेवल ऑन ह्यूमन सेफ्टी, है ना। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, आप देखे होंगे जब आप लाइट कम रहता है तो आदमी को नींद आने लगता है, आँख पे जोर पड़ता है, और ज़्यादा लाइटिंग हो तब भी आँख पे जोर पड़ता है, और एक नॉर्मल लाइटिंग हो मतलब कि लिट हो तो हम आप ऑफिस वगैरह में देखेंगे प्रॉपर लाइटिंग रहता है। क्यों? उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एक आदमी की। अगर आप घर में हैं पढ़ रहे हैं मतलब लाइट प्रॉपर है तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे ही लाइट बंद हो गई आपको नींद आने लगेगा, ऐसा नॉर्मली होता है। तो ये क्या है कि करेक्ट लाइटिंग होना चाहिए। तो साइटों पे अलग अलग तरह के खतरे होते हैं, अगर लाइटिंग ना हो तो हम लोग बहुत सारा चीज़ देख नहीं पाएंगे, हमारा परसेप्शन गड़बड़ हो जाएगा, हम जो है किसी चीज़ को रनिंग हो हमको पता ही नहीं चलेगा वो रनिंग है, कहीं गड्ढा हो हमको पता ही नहीं चलेगा हम गिर जाएंगे, एक स्मॉल काम कर रहे हैं तो हमको दिखेगा नहीं, मतलब कि क्या है सेफ्टी वहाँ पे इंश्योर नहीं होता, यानी कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इनकरेक्ट परसेप्शन एंड फेलियर टू सी क्लियरली, ऐसा होता है इनकम्प्लीट मतलब कि इनप्रॉपर लाइटिंग से। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ स्टिचिंग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे स्पॉट लाइटिंग चाहिए वहाँ पे देखने के लिए, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पार्टिकुलर जगह पे प्रॉपर लाइटिंग चाहिए। तो इस तरह से अब क्या होता है, एक लाइटिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आप लक्स लेवल पता कर सकते हैं इंटरनेट पर जब सर्च मारेंगे तो किस काम के लिए कितना लक्स लेवल चाहिए, तो आप मीटर से नाप के भी उतना लाइटिंग आप प्रॉपर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली आप खुद ही पता कर सकते हैं। अब एक होता है एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी रनिंग आप देखे होंगे कि जब कोई फ्लाई व्हील वगैरह चलता है या कोई पुली वगैरह चलता है तो जब वो स्पीड पकड़ लेगा ना तो क्या होगा, वो लगेगा कि अब चल नहीं रहा है, रुक गया है। जैसे पंखा आप नाइट में अगर चलेगा तो देखेंगे पंखा जब चलता है तो कुछ समय के बाद लगता है कि पंखा चल नहीं रहा है, पंखा रुका हुआ है, लेकिन पंखा चल रहा है, हमारे आँख को परसेप्शन होता है कि वो रुक गया है। तो अगर मान लीजिए कोई मशीन पे आप काम कर रहे हैं और आपको ऐसा फीलिंग आए कि वो चल नहीं रहा है तो क्या होगा, आप छू देंगे उसको, और छूने का मतलब समझ रहे हैं कि हाथ कट जाएगा, इंजरी होगी। तो ये एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है कि हमको कोई चीज़ स्टेशनरी नज़र आने लगता है, मूविंग जो पार्ट्स हैं, या स्लोअर नज़र आता है, बहुत फास्ट चलता है लेकिन लगता है कि धीरे चल रहा है। पंखा को देखेंगे नाइट में बल्ब जला के तो लगता है कि बहुत धीरे चल रहा है लेकिन वो एक्चुअली में फास्ट चल रहा होता है। तो ऐसा होता है तो हमारे आँख जो है ना, एक 1/20 सेकेंड में क्या होता है, कोई चीज़ चेंज होता है हमारे आँख में, मतलब हम अगर कोई देख रहे हैं तो 1/20 16 से 20 सेकेंड लग जाता है उसको हटने में वहाँ से, यानी कि हमारा आँख तुरंत तुरंत वहाँ पे इमेज चेंज नहीं होता है। बल्ब जो जलता है वो 50 हॉर्ट्ज पे जलता है, तो 50 हॉर्ट जो है यानी कि एक बल्ब जो है 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। तो ये सब इफेक्ट हैं। तो अगर कहीं ऐसा होना तो हम अगर डबल फेज का यूज़ करें, यानी कि डबल फेज का अगर लाइटिंग यूज़ करेंगे ना तो वो क्या होगा कि वहाँ पे हमको इस तरह का इफेक्ट को हम लोग, यानी कि एक बल्ब दूसरे फेज पे चले, एक बल्ब दूसरे फेज पे चले, तो इससे क्या है जब अलग अलग लाइट देंगे ना तो वो थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि हमको दिखेगा कि वो रनिंग है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसमें हम एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को हम लोग कर सकते हैं। फिर कलर असेसमेंट, जैसे हम लोग जनरली घर में बल्ब जो जलता है वो क्या है, हमारा जो सनलाइट आता है व्हाइट कलर ही आता है, बट हम लोग अलग कलर का अगर बल्ब जला दे, जैसे कि मान लेते ग्रीन कलर का जला दे, येलो कलर का जला दे, रेड कलर का जला दे, तो बाकी चीज़ों का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि जो रेड है वो दूसरा कलर दिखने लगेगा, जो हरा है वो दूसरा कलर दिखने लगेगा। इस तरह से क्या है कलर असेसमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ लाइट है पार्टिकुलर कलर, लाइट शुड बी व्हाइट, कोई भी लाइट लगाएं व्हाइट लाइट, जैसे हम लोग ट्यूब लाइट लगाते हैं ना उसका कैसा लाइट आता है व्हाइट, यानी कि जैसा सनलाइट का है वैसा ही लगभग है, तो सारा चीज़ वैसे ही दिखता है जैसे कि हमको देखना है। लेकिन अगर हम उस ट्यूब पे एक रेड कलर का पट्टी लगा दें तो बाकी सारे चीज़ों का कलर चेंज हो जाएगा और आपको कलर जजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होगा।
तो इस तरह से जो है ब्लू, जैसे ब्लू जो है लुक ब्लैक हो जाएगा, येलो जो है ग्रीन दिखने लगेगा, इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम तो होगा हम लोगों को। और हम लोग कलर असेसमेंट, आप जानते हैं सेफ्टी साइन का कलर क्या होता है, फिक्स है। तो हम जब कलर ही चेंज हो जाएगा तो बाकी सारा चीज़ जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए लाइटिंग वगैरह इस तरह से होना चाहिए जिसमें कलर असेसमेंट प्रॉपर किया जा सके। और लाइटिंग इफेक्ट ऑन एटीट्यूड, लाइट का जो है प्रॉपर लाइटिंग होना एटीट्यूड पर पड़ता है, यानी कि रिसर्च भी किया गया है इसके ऊपर कि अगर प्रॉपर लाइटिंग होना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि आदमी अच्छे से काम करता है और उसको थकान भी नहीं होता है, आँख पे जोड़ भी नहीं पड़ता है। तो लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, इस पर प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी जो है और एटीट्यूड पे काफ़ी असर पड़ता है। इसका हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है कि पुअर लाइटिंग अगर होना तो हेल्थ भी हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे इरिटेशन होने लगेगा, सच एज इन्फ्लामेशन आई, आँख जल जो है जलने लगेगा, इचिंग होने लगेगा आँख में, उसके बाद ब्रेक डाउन और विजन हो जाए, ब्लर दिखने लगेगा हमें, उसके बाद जो है हेडेक, थकान और जो है ग्रीडीनेस, ये सब हो जाएगा, है ना। तो लाइटिंग इसीलिए जो है सेफ वर्क इन्वायरमेंट के लिए लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है क्यों डिफरेंट डिफरेंट जो है एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग चाहिए, जैसे जहाँ हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा फोकस करना है दोनों तरफ से, क्यों? वो वहाँ पे वो स्पॉट को हमको हाईलाइट करना है, और कहीं पे लो रिस्क है वहाँ पे लाइटिंग कम जाए। कहीं बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया अगर ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, छोटा बहुत काम कर रहे हैं, कहीं मोबाइल चिप बना रहे हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं, वहाँ पे एकदम अच्छा स्पॉटेड लाइट चाहिए ताकि वो हर एक छोटे पार्टिकल दिख पाए। लेकिन कहीं हम ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सामान हैं, मतलब कि वहाँ छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लाइटिंग उस तरह का हो। इसीलिए कहा गया है कि जगह जगह पर लाइटिंग की जो लक्स वैल्यू है वो चेंज होता है। तो इसीलिए जो है डिफरेंट एरिया विल नीड डिफरेंट लाइट कंडीशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों अलग अलग जगहों पे अलग अलग लाइटिंग की आवश्यकता होती है। इसीलिए असेसमेंट किया जाता है डिजाइनिंग टाइम में, कहाँ कितने मरकरी, कहाँ कितने बल्ब, कहाँ कितने वाट का बल्ब जो है देना चाहिए ताकि वर्क प्लेस सेफ हो। ये सब क्या है, डिजाइन लेवल पे से स्टार्ट होता है ना, तो काफ़ी जो है वर्क इन्वायरमेंट सेफ रहता है। कितना ग्लेयर चाहिए, कितना कौन सा कलर चाहिए, कंट्रास्ट कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो आई होप कि आपको ये पहला जो एलिमेंट है 10.1 सेफ वर्क इन्वायरमेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं ना सारे कंप्लीट करवा दूंगा। और ये भी तो मैंने 10.1 तो आपको इसमें मैंने मोटा मोटी सारी जानकारी दी है, फिर भी आपको लगता है कि और डिटेल्स में चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आगे से इसको और डिटेल्स में बनाओ। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि और इसके लिए जो मतलब यानी कि निबोस डिप्लोमा के लिए जो पेपर थर्ड है, मैं कन्फाइंड स्पेस पे एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना आप, और कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे मैं कंटिन्यू काम कर पाऊँ। अगर अदरवाइज आप नहीं कुछ कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये है सेफ वर्क इन्वायरमेंट यानी कि 10.1, और ऐसे करके हमारा 10.2 है कन्फाइंड स्पेस। तो आई होप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।